这一次我真的睡着了。अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? बेबी शावर की आज मैं एक छोटी सी पार्टी पे आई थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ये खूबसूरत से लम्हात, जिस पे कुछ भी बात करना जो वो बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये खुशी का ऐसा मौका होता है कि जो आंखों से और दिल से झलक रही होती है। और न्यू मॉम और साथ नानी तो बहुत ही खुश थी, तो अल्लाह करे कि खैर आफियत के साथ हमारी इस प्यारी सी बेटी की अल्लाह गोद भरे। और ये नेमत बहुत बड़ी है, ये बात तो बाद में है कि बॉय और गर्ल, तो अल्लाह ताला बेटा दे या बेटी, ज़िंदगी सलामती वाला सेहतमंद औलाद जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला सब बे औलाद जोड़ों को भी इस खूबसूरत सी नेमत से नवाजे। और फ्रूट और मिठाइयाँ, केक और फिर इसके गिफ्ट्स, ये सब कुछ हमने देखा जो मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर ना कर सकूं क्योंकि वो वाली वीडियोस मैंने अभी इसके अंदर नहीं ऐड की हैं। तो ये जो सबने फिर गोद में फूल फल रखे, आओ तो फूल मेरे मुँह से निकले, बस मैं तो ये आपको कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशी तो बस नानी की आंखों से झलक रही होती है। और नानी का बस नहीं चलता कि बस ये सारा कुछ बेटी की गोद में भर भूर के इसको दे दे, और जो ये सारी तकलीफ़ और ये सारा जो मुश्किल वक्त है वो अपने ऊपर ही ले ले। इतनी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार जो इस मौके पर माँ की आंखों में से झलक रहा होता है। अल्लाह सब माँओं को सलामत रखे, स्पेशली इस टाइम पर बेटियों के लिए बहुत ही कीमती हैं माएँ। और माँ तो आपको पता है किसी भी मौके पे भूलती नहीं है। और ये हमारी प्यारी सी बेटी को आप सब भी इसको दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह खैर आफियत से इसकी गोद भरे और ये खैर से गोद भर के अपने घर जाए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसे शेयर भी किया कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।